Welcome viewers, we are back again with another episode of online videos for the Tribune. This time we are talking with Mr. Bhupinder Singh Hooda, two-time Chief Minister of Haryana and one of the tallest leaders, contemporary leaders of Haryana. Since the elections are now about a year away, we are going to ask him some questions that will bring you some insight into how political parties, including the Congress, are preparing themselves for the elections next year. Hooda sahab, aapka bahut bahut swagat hai Tribune ke video initiative mein. Haryana mein jo political mahol hai wo garma raha hai. Is aapne bhi ek apni jan kranti yatra shuru ki hai. To kis kisam ka response Congress ko mil raha hai? और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल की इलेक्शन के लिए? देखिए, वैसे तो सारे देश में माहौल गर्मा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और हमारे भी इलेक्शन अगले साल होने हैं। तो जो आपने कहा जन क्रांति यात्रा शुरू करी हमने, उसमें बहुत तगड़ा हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे समाज के हर वर्ग से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जीवन कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, क्योंकि इस सरकार से, मौजूदा सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। जो 2014 में जो आशा थी सरकार से, वो निराशा में बदल चुकी है और यही कारण है कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आज किसान जो बर्बादी के कगार पे खड़ा हो गया, उसको अपना उचित मूल्य भी नहीं मिलता, लागत बढ़ गई है, आमदनी घट रही है, तो मुनाफा का तो सवाल ही पैदा नहीं, कर्जे में वो दबता जा रहा है। व्यापारी जो है, व्यापारी से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो पहले तो कहते थे हम मुनाफा तो गया, हम पूंजी खा रहे हैं, अब कह रहे हैं जी हमारी पूंजी भी खत्म हो गई, अब तो हम अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं, पर खरीदार कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हर वर्ग बेरोजगारी इतनी बेइंतहाशा बढ़ रही है, ये नोटबंदी और इसके बाद जीएसटी के बाद बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है पूरे प्रदेश में। यहाँ तक कि खिलाड़ी, आपने देखा होगा, ये पहले बार देखा मैंने खिलाड़ियों का सम्मान समारोह और वो बाइकाट करें, रोज उनके साथ भद्दा मजाक किया जाता, कभी कहता है एक तिहाई काटेंगे, कभी कहेगा उस डिपार्टमेंट का काटेंगे, कभी कहता है यू टर्न करने, कभी वाई टर्न करने, मतलब उनके साथ मजाक किया हुआ है। इसी प्रकार से बुजुर्ग, मैं अब जो जन क्रांति यात्रा में जा रहा था, एक गांव में एक महिला मेरे को वृद्ध महिला, काफी ओल्ड लेडी जी, 85 साल से कम होगी, उसने मेरे को रोका और मैंने कहने की बेटा मेरी बात सुनो। मैं हाँ जी, बोला मैं 85 साल की हूँ और मेरी पेंशन काट दी गई, गरीब औरत थी। इसी प्रकार से एक बुढ़ा आदमी मिला, वो कहना जी ये पेंशन देते तो है लेकिन 2 महीने देते हैं, एक महीने की नहीं देते। तो इस प्रकार से जो इन्होंने कर रखा है, तो हर वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई भी एक भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। और साहब, आपने ये परिस्थितियां बताई जिससे लोग काफी नाराज हैं, आपको क्या लगता है कोई ऐसी चीज है इस सरकार की जो प्रशंसा योग्य हो? देखिए नवीन जी, जब ये सरकार बनी थी 2014 में, उस समय मैंने एक बात कही थी कि हम रक्षात्मक विपक्ष के भूमिका निभाएंगे और ये सरकार कोई भी अच्छा काम करेगी, जनहित का फैसला करेगी, तो उसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन मेरे को आज 4 साल के करीब हो गए, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक फैसला भी सरकार का जनहित का फैसला नहीं है। आज का जो माहौल बना जिस स्टेट में, उसमें INLD जो है वो SYL को लेके सबसे आगे प्रोजेक्ट कर रही है अपने आप को, क्या वाकई में ही कांग्रेस और बीजेपी और बाकी जो पार्टीज कभी कभी बनती थी पहले, वो सब बैकग्राउंड में चले गई और INLD ही हरियाणा के पानी की हित की बात कर रही है? देखिए जी, मगरमच्छी आ चुका रहे हैं, लोग हरियाणा की इस बात को समझ चुके हैं। जो आज तक SYL का पानी नहीं मिला है, जो विलंब हुआ है इसमें पानी में अपना हिस्सा मिलने में, उसके लिए पूर्ण रूप से INLD जिम्मेवार है। क्योंकि आपको बात हो, जो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है जिसके बारे में ये कह रहे हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव लोंगोवाल समझौता है। राजीव लोंगोवाल समझौते के अनुसार
90% तो पंजाब में खुद गई थी, नहर हरियाणा में सारी खुद गई थी। चौरीवंशी लाल आपको भी याद होगा, सरपंचों को नहर खुदी हुई सब उन्होंने दिखाई, लेकिन उसका विरोध किसने किया? विरोध इन्होंने किया और काम ठप करा दिया। तो इस बात को समझते कि ये मिली भगत थी इनकी, तो ये मगरमच्छ ही आ चुका रहे हैं, इनको इनको मालूम है, दे स्टैंड एक्सपोज। सिर्फ अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो SYL का, पीछे भी कहा जब प्रकाश सिंह बादल जी वहां मुख्यमंत्री थे पंजाब में, तो इन नहरों ने कहा चलो भाई हमारे साथ चलो, हम पंजाब की टेरिटरी में जाएंगे, नहर खोद के आएंगे, वहां ले गए उनसे मिलकर, बादल साहब से मिलकर, और सड़क खुरच के आगे, नहर कहां गए, सड़क की खुरचाई करके आगे। INLD का ये मानना है कि जो INLD का और BSP का समझौता हुआ है उससे सारी बाकी पार्टीज बुखला गई, आप इस समझौते को कैसे देखते हैं? देखिए पहली बार तो वन, जहां तक INLD का सवाल है, इनके समझौते तो बीजेपी से भी हुए, पहले गठबंधन हुए, और BSP से भी हुआ, और आधी बार तो गठबंधन देखो आपने पोलिंग से पहले टूट जाते हैं, तो इस गठबंधन का भी असर वही होना है। आप कांग्रेस की पोजीशन आज की डेट में बाकी पार्टीज के कंपैरिजन में कहां देखते हो फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट कांग्रेस? कांग्रेस के फेवर में स्वीप होगा जी, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस का आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का स्वीप होगा, लेकिन कांग्रेस को जैसे लोग बाहर से देखते हैं उसमें वो कांग्रेस में 6 गुट देखते हैं, तो ये जो गुटबाजी है कांग्रेस में? नहीं कोई गुटबाजी नहीं है नवीन जी, ये आप के अखबारों में आती है ऐसी गुटबाजियां। कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर वो है, सिस्टम है, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, बाकी पदाधिकारी होते हैं, बदलते बदलते रहते हैं, पार्टी तो एक है। 4 साल में हमने 3-4 बारी हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी बिगड़ती हुई देखी, तो क्या आपको लगता है इसका कारण इनएक्सपीरियंस था कि या कोई डिलिबरेट अटेम्प्ट है किसी किस्म की? देखो जी, जो पहले आंदोलन हुआ इससे बड़े बड़े आंदोलन हमारे समय में हुए और समय पर एक्शन लिया गया, कभी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जान माल का नुकसान हुआ उसमें, उसके बाद इस सरकार ने प्रकाश सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और बार बार बयान रहते रहे कि भाई प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज कहाँ है प्रकाश सिंह की रिपोर्ट की कमेटी? वो तो अंडर टेबल है, क्योंकि प्रकाश सिंह एक ईमानदार आदमी है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी कि ये जो हुआ है उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। थोड़ा सा जब ये BJP सरकार आई थी तो बहुत सारी बात ये होती थी कि ये विंडिक्टिव तरीके से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इन्होंने CBI को भी कुछ केसेस दिए हैं आपके खिलाफ, वो केसेस का क्या स्टेटस है और आपको लगता है कि वो एक विंडिक्टिव तरीके से चल रहे हैं कि वो एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से? देखो जी, जो केस जिस किस्म से रजिस्टर किए गए हैं, विजिलेंस से सीधा CBI के पास भेजे हुए हैं, तो ये तो CBI का नॉर्मल रूटीन है, जो विजिलेंस का केस FIR दर्ज हो उसमें PE नहीं होती है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है CBI, किसी भी केस में इन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कराई और सीधा मतलब आरी कर दी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से किए हैं। अब जितना समय इलेक्शन में रह गया है, आपकी राजनीति आगे क्या रहेगी, आप क्या क्या करेंगे और किस तरह से आप सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर करेंगे? जैसे जनक्रांति यात्रा हमने शुरू की है, उसका मकसद यही है कि सरकार की विफलताएं और अपना जो हमारी सरकार है उसकी उपलब्धियां लड़कर पहुंचाने का प्रयास करें, मास कॉन्टेक्ट करें। एक आखिरी सवाल, जो अगली इलेक्शन होगी उसमें से कितने आपके लोग जो हैं वो सिटिंग MLA या पुराने लीडर्स रिपीट होंगे और कितने नए चेहरे लाने की आपकी रिकमेंडेशन रहेगी? तो नए चेहरे भी आएंगे और जो पुराने हैं वो तो है हमारे थोड़े ही हैं, हम 17 ही MLA हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज मिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा टॉकिंग वेरी फ्रीली एंड ओपनली दैट हाउ द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू टेक ऑन ऑल ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द रूलिंग BJP इन द नेक्स्ट इलेक्शन, एंड ही डिस्कस्ड वेरियस
issues, the failures of the current government as he sees them, and the achievements during his two-term Congress government.